तमाम नाजरीन को आज की वीडियो में खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको एक ऐसा आसान और कमाल का नुस्खा बताएंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले गुजारिश है, हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब और बेल के बटन को जरूर दबा दें ताकि न आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। किसी का अगर भला करोगे तो अल्लाह तुम्हारे सब काम आसान कर देगा। वीडियो को पूरा देखिएगा। शुक्रिया। खूबसूरत है वो दिल जो किसी के दर्द को समझे, खूबसूरत है वो एहसास जो किसी के दुख का मुदावा बने, खूबसूरत है वो हाथ जो किसी को मुश्किल वक्त में थाम ले। ये जिंदगी आजमाइशों का समंदर है, किसी से लेकर आजमाया जाता है तो किसी को बेतहाशा देकर आजमाया जाता है। बस नहीं सबर तो कहीं शुक्र की आजमाइश है। हर चीज वक्त पर अच्छी लगती है। निकी कमाने का सही वक्त जवानी है। हम निकियां इस वक्त करते हैं जब हम बुराइयां करने के काबिल नहीं रहते। इंसान अगर जबान के इस्तेमाल की बजाय दिमाग का ज्यादा इस्तेमाल करे तो बहुत से मसाइल और मुश्किलात से बच सकता है। बेइज्जत इंसान की जिंदगी गिंदुक्की के इस ढेर की मानिंद है जहां पर सिर्फ जानवर ही कुछ तलाश करते दिखाई देते हैं। ज्यादा अक्लमंद बनने से अक्ल जायल हो जाती है। अक्लमंद बनना छोड़ दो, बहुत कुछ सीख पाओगे। नसीहत वो सच्ची बात है जिसे हम कभी गौर से नहीं सुनते, और खुशामद एक बदतरीन धोखा है जिसे हम पूरी तवज्जो से सुनते हैं। होंठों की मुस्कुराहट दिल की तर्जुमानी नहीं कर सकती, लेकिन आंख के आंसू दिल की तर्जुमानी जरूर होते हैं। इंसान चाहे किसी भी नस्ल का भी हो, किसी भी रंग का हो, लेकिन उसके आंसुओं का रंग एक ही होता है। गलत फहमी और शक का बीज हंसते मुस्कुराते घर को वीरान कर देता है, इससे पहले कि शक का बीज तनावर दरख्त बन जाए। आपस में बातचीत के जरिए गलत फहमी को दूर कर लेना चाहिए। तुम्हारी रूह के लिए इससे बढ़कर कोई मर्ज नहीं कि तुम खुद को कामिल समझने लगो। खामियों का एहसास कामयाबी की कुंजी है। कमजोर मौकों की तलाश में रहते हैं, बाहिम्मत इंसान खुद मौके पैदा करते हैं। बुरा दोस्त कोयले की मानिंद है, गर्म हो तो जलाएगा, ठंडा होगा तो हाथ काला करेगा। जानवरों में ख्वाहिश पाई जाती है लेकिन अक्ल नहीं होती, फरिश्तों में अक्ल होती है लेकिन ख्वाहिश नहीं पाई जाती। इंसान में दोनों चीजें मौजूद होती है, इसमें अक्ल भी है और ख्वाहिश भी। अगर इंसान ख्वाहिश से अक्ल को दबा लेता है तो जानवरों की सफ में शामिल हो जाता है, और अगर अक्ल से ख्वाहिश को दबा लेता है तो उसका शुमार फरिश्तों की सफ में किया जाएगा। अल्लाह की राह बज़ाहिर कांटों से भरी है मगर दर हकीकत इत्मीनान और सुकून की दौलत से भरी पड़ी है। जब दुआ से काम ना बने तो फैसला अल्लाह पर छोड़ दो। अल्लाह ताला अपने बंदे के हक में बेहतर फैसला करने वाला है। अपनों की दी गई तकलीफ और दुख के सामने हम चाहे कितना भी डट जाए, एक लम्हे के लिए हम टूट जरूर जाते हैं। जब औरत ने मर्द से मोहब्बत का मैयार सिर्फ दौलत रख लिया, तब से मर्द ने दिल के ऊपर जेब सजा ली और दिल ढांप लिया। और जब मर्द ने मोहब्बत का मैयार सिर्फ जाहिरी हुस्न समझा तो औरतों ने भी दोपट्टा उतार दिया और कॉस्मेटिक्स ओढ़ ली। यूं दोनों प्रैक्टिकल हो गए और सब हंसी खुशी बर्बाद होने लगे। इंसान मिट्टी का वो लट्टू है जो घूम फिर कर वापस बनाने वाले के हाथों में आ जाता है। हमारी नियत की पैमाइश इस वक्त होती है जब हम किसी ऐसे शख्स के साथ भलाई करें जो हमको कुछ भी नहीं दे सकता। हम इतना जोर अपने आप को दुरुस्त करने में नहीं लगाते जितना जोर दूसरों को अपने से ज्यादा गलत साबित करने में लगाते हैं। कितने लोग ऐसे हैं जो जमीन पर मशहूर हैं और आसमान पर गुमनाम, और कितने ऐसे हैं जो आसमान पर मशहूर हैं और जमीन पर गुमनाम। इज्जत तकवा से है, ताकत से नहीं। जिंदगी की सबसे बड़ी हार किसी की आंखों में आंसू आपकी वजह से, और जिंदगी की सबसे बड़ी जीत के किसी की आंखों में आपके लिए आंसू होना। जब तुम अल्लाह के किसी बंदे की मदद करो तो उसके अच्छा बुरा होने को मत सोचो।
अल्लाह भी तो तुम्हारी मदद करता ही है। तुम्हारे अच्छे या बुरे किरदार को सामने रखे बगैर हजरत अली रजी अल्लाह ताला उन्हों से सवाल किया गया, अगर किसी शख्स की कीमत तय करना चाहिए तो इसका मेयार क्या हो सकता है? हजरत अली रजी अल्लाह ताला उन्हों ने मुख्तसर जवाब दिया, एहसास जिम्मेदारी। जिस शख्स में जितना एहसास जिम्मेदारी होगा वो इतना ही कीमती होगा। जब तक तेरा गुरूर और गुस्सा बाकी है अपने आप को नेक लोगों में शुमार मत करना। काश लोग समझ सकें कि रिश्ते बनाना असल बात नहीं बल्कि असल बात उन रिश्तों को निभाना है। वक्त सबको मिलता है जिंदगी बदलने के लिए, लेकिन जिंदगी दोबारा नहीं मिलती वक्त बदलने के लिए। हिकमत एक ऐसा दरख्त है जो दिल में उगता है, दिमाग में पलता और जबान पर फल देता है। आजिजी यह है कि इंसान दूसरों के अंदर अगर एक बुराई देखे तो उसे अपनी 10 याद आ जाए। जब किसी जरूरतमंद की आवाज तुम तक पहुंचे तो अल्लाह का शुक्र अदा करो कि इसने अपने बंदे की मदद के लिए तुम्हें वसीला बनाया। चीजों की कीमत मिलने से पहले होती है और इंसानों की कीमत खोने के बाद। किसी को चाहो तो इस अंदाज में चाहो कि वो तुम्हें मिले ना मिले, मगर जब उसे मोहब्बत मिले तो उसे तुम याद आ जाओ। हम लोग भी अजीब हैं। सवाब की खातिर मरे हुए इंसान को कांधा जरूर देते हैं, अक्सर जिंदा इंसान का सहारा बनने से कतराते हैं। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु का इरशाद मुबारक है, किसी भी शख्स से तुम नाराजगी का लम्हा इतना तवील ना करना कि वो तुम्हारे बगैर ही जीना सीख ले। रिस्क के पीछे अपनी इज्जत का सौदा मत करो, क्योंकि नसीब का रिस्क इंसान को ऐसे तलाश करता है जैसे मरने वाले को मौत। जिंदगी ने एक बात तो सिखा दी कि हम किसी के लिए हमेशा खास नहीं रह सकते। सब्र से रहमत का इंतजार करो। जो चीज तुम्हारे लिए है वो सिर्फ तुम्हारे लिए ही है। बस देर से आना किसी हिकमत की वजह से होता है और उसकी हिकमत बेशक तुम्हारी समझ से बाहर है। नुस्खा नोट फरमा ले दोस्तों, सफेद प्याज ले ले, इसको कहते हैं नरगिसी प्याज। नरगिसी प्याज एक ले ले, इसको छोटे टुकड़ों में काट के कटोरी में डाल के इस पर थोड़ा सा नमक डाल दे। नमक डाल के इसके ऊपर फिर पानी डाल के इसको धो डालें, एक दो दफा धो डालें। दो से तीन दफा धोने के बाद प्याज की जो बदबू है वो खत्म हो जाएगी। अगर हो सके तो इस पर एक टमाटर हल्का सा काट के ऊपर डाल दें और उसको बैठ के आप खाना शुरू कर दें। ये आप रोजाना इस सलाद का इस्तेमाल दोपहर खाने में करेंगे, यकीन जाने 30 से 40 दिन। ये आसान सा नुस्खा है लेकिन इसके फायदे बेशुमार हैं। इन लोगों के साथ गुजारा हो सकता है जिनकी तबीयत खराब हो, मगर उनके साथ गुजारा नहीं हो सकता जिनकी तबीयत खराब हो। हसद एक जहर की मानिंद है जो इंसान खुद पीता है मगर इससे दूसरों को मारने की तवक्को करता है। हमारे अंदर खुद को बदलने की चाह से ज्यादा दूसरों को अपने मुताबिक बदलने की चाह होती है। किसी को गुलाब पसंद होते और किसी को बिल्कुल अच्छे नहीं लगते, इसमें कसूर गुलाबों का नहीं बल्कि फर्क मिजाजों का है। गुफ्तगू में बे एहतियाती रिश्तों को कुचल देती है। आपके अल्फाज ही आपका अक्स होते हैं और बाद में वजाहतें देने से कुछ भी हासिल नहीं होता। सबसे बड़ा फितना माल है, जिसके पीछे लोग हर रिश्ते की अहमियत को नजरअंदाज कर देते हैं। अदब का दरवाजा इतना छोटा और तंग होता है कि इसमें दाखिल होने से पहले सर को झुकाना पड़ता है।